आइकॉन खिलाड़ी थे प्रशांत, जिन्होंने बंटी का विकेट चटका। कांग्रेचुलेशंस प्रशांत, हार्ड लक। तो चलेंगे मैच की तरफ। मुझे साहब की तरफ से इनामी राशि दी गई थी 1000 रुपए। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बैट्समैन तुरंत भेजिए मैदान के अंदर प्लीज। बैटर पाठवायचे, चला तेजस्वी संघ बैटर लगेच पाठवा। गुरु सचिव क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित एक गाव एक आइकॉन प्रतियोगिता, 16 टीमें एसटी से बुलाई गई थी और 16 टीमें एक गांव एक ओपन। बेहतरीन से टीमें बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए। 4 दिन में आज मेगा फाइनल डे। बागेश ठाकुर ऑन साइड पे खेलना चाहते थे। काफी लाउड अपील की गई थी, मगर अंपायर दर्शाते हुए गेंद थोड़ा सा ऊंची लगी है और नॉट आउट कॉल कादिर मांजरा सर की तरफ से। गेंद की बात की जाए, गेंद हो चुकी है 3-3, गेंद 1 रन लगे इसको खाड़ पर। पहली ओवर प्रगति पथ पर रवि कोरनी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए अपने 2 टीमें खिलाई, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे गुरु सुजी की तरफ से आपका, खास कर टिंकू भाई इनके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे निकले बैट का ऊपरी सिरा, प्रणीत डोंगरे में गेंद के नीचे, भागेश ठाकुर मैदान के बाहर, 0 का जज्बा पहनकर बैट छोड़ेगा आउट। तो मैदान के अंदर आएंगे नीलेश बसवत के। पहले दिन जरूर नजर नहीं आए थे, आज इस क्वार्टर फाइनल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पहली ओवर क्या बेहतरीन डाल रहे हैं। अविनाश भुरकुट, अभी तक जब इन्होंने पहली ओवर डाली इस प्रतियोगिता में काफी इंप्रेस किया है, बेहतरीन गेंदबाजी की है। आज भी इस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। तो फिर एक बार अविनाश गेंदबाजी के लिए तैयार। नीलेश शिल्के आए ऑफसाइड पर खेलने का प्रयास, देख सकते हैं ऑनसाइड पर खिलाड़ी नहीं। जब तक खिलाड़ी सचिन दौड़े, गेंद की तरफ आए, गेंद को फील्ड किया गया और जब तक थ्रो किया जा रहा है, दो रन बटोरे गए। क्या बेहतरीन रन बिटवीन द विकेट। हम देख सकते खिलाड़ी थोड़े से दूर थे, मगर सचिन दौड़े जब तक गेंद की तरफ आए, 2 रन तेजी से बटोरे गए। यहां से रोने की बात, रन जा बचे स्वीकार। फिलहाल हम देख सकते 3 गेंदों की बात की जाए, गेंदें हो चुकी है 5। सीसाई देदनादन के कप्तान अगर आ चुके हैं तो तुरंत हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ संपर्क किया जाएगा, इसके बाद तीसरा मैच खेला जाएगा। और ऑनसाइड पर खेलने का प्रयास था सचिन दौड़े, फिर एक बार गेंद की तरफ आए, गेंद को फील्ड किया गया, जब तक गेंद को फील्ड किया गया थ्रो किया जाएगा, 1 रन बटोरा गया। ओवर नंबर पहला समाप्त होता है, एंड ऑफ द फ्रेश ओवर, मात्र रन लगे 4, 2 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई कुणाल 11 तीर से।
इसके बाद जो मैच खेला जाएगा आशीष शाही दीदनादन बनाम एस के ब्रदर्स तलासरी, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। तो चलेंगे मैदान के अंदर, कृतिश घरत को इस वक्त बुलाया गया, कृतिश घरत गेंदबाजी के लिए आएंगे। देख सकते हैं हम पावर प्ले के दूसरी ओवर में बुलाया गया गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर नीलेश शेलके, शेलके नजर आएंगे। आइकॉन बनाम हम देख सकते हैं इस वक्त ग्रामीण के खिलाड़ी के बीच में ये जंग खेलते हुए नजर आएंगे खिलाड़ी। इस वक्त हल्के बल्ले से खेला, वहां पर दो खिलाड़ी हैं। जब तक गेंद की तरफ आ गेंद को फील्ड किया गया, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे करण कदम, एक सिंगल बटन रहेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड जहां पूछा 5 लॉस ऑफ 2 विकेट। तो चेतनपुरी पे जिन्होंने अभी तक एक गेंद खेली, एक गेंद एक पर बल्लेबाजी करें आगे का खेलना चाहते हैं। कृतिज ग्रत गेंद को रुकने का प्रयास मगर सचिन दौड़े इन एन एक्शन नजर आ रहे हैं, अच्छी तरह से फील्ड कर रहे हैं सचिन दौड़े। आज मोजेश वॉरियर के कप्तान उमेश कुम ने टॉस जीता पहले, फैसला किया गेंदबाजी का और इन्वाइट किया बल्लेबाजी के लिए, उस फैसले को सही साबित किया है गेंदबाज अविनाश बुरकट ने। अच्छी गेंदबाजी की, दो विकेट चटका पहली ओवर में। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नीलेश ऑन स्ट्राइक, सोवर गेंद मिस टाइम। देख सकते हैं दो खिलाड़ी सचिन दौड़े और यहां पर गलती देख सकते हैं वहां पर डीप में जेश काकड़ा थे, जेश काकड़ की बात की जाए गेंद पर आ रहे थे मगर सचिन दौड़े पीछे उन्हें देखा और कैच नहीं लपक पाया। दो खिलाड़ी के बीच गेंद ट्रैवल होती, गलती कर बैठे यहां पर खिलाड़ी नीलेश शेल के। जैसे बल्लेबाज को मौका देना कितना घातक साबित हो सकता है आने वाले वक्त जरूर बताएगा। मौका था, गेंद हवे में थी मगर दो रन खर्च किए गए, दो रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड जहां पहुंचे इस वक्त 8 अंकों पर, 8 लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर एक बार गेंदबाज कृतेश घरत गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार, नीलेश ऑन स्ट्राइक, तीन गेंदों में 4 रन खर्च किए गए। छोटी गेंद आगे निकले, फिर एक बार हवा में गेंद, जेज गेंद के नीचे, ओहो व्हाट अ शॉट हैज गॉन मिस्टर नीलेश शेल के, बैक छोड़ेगा आउट, विकेट नंबर 3 मैदान के बाहर। धन्यवाद जरूर लाला भाई के दोस्त सागर बोर से और लाला भाई आपका दोनों का हार्दिक स्वागत। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर युवराज डुक्लेर जिन्होंने इस प्रतियोगिता में पहला 50 लगाया था, 52 रन की पारी खेली थी, वो बल्लेबाज मैदान के अंदर अभी तक बात की जाए। युवराज डुक्ले इस वक्त मैदान के अंदर, तो बल्लेबाज है। चलिए मैच की शुरू की जाए, कृतिश घरत की बात कीजिए, 4 गेंदे 4 रन खर्च के विकेट अभी तक चटका चुके, फिर एक बार गेंदबाजी के लिए फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ करने का प्रयास करेंगे। जो खिलाड़ी फाइनली पे थोड़ा सा फाइन लिया गया, एक फ्लाइंग स्लिपर खिलाड़ी, पॉइंट गली, एक्स्ट्रा कवर, युवराज खेलने का प्रयास के हाथ में गेंद है, संतोष और उमेश गेंद की तरफ काफी तेज दौड़ रहे, कप्तान उमेश कुम गेंद को फील्ड करते हुए, जब तक गेंद को रोका गया दो रन बढ़ेगा, तीसरे का प्रयास नहीं किया जाएगा क्या मगर
बेहतरीन फील्डिंग उमेश कुम द्वारा, दो रन वन शॉट यहां पर दिया गया, एक रन शॉट दौड़े हैं बल्लेबाज और एक रन मात्र ऐड किया जाएगा स्कोर कार्ड पर। स्कोर कार्ड जहां पहुंचे हम देख सकते हैं 9, थोड़ा सा पीछे दौड़े हैं चेतन वन शॉट रन दौड़ते हुए, आइकॉन खिलाड़ी है चेतन पुरबिया। अभी तक चेतन की बात की जाए दो गेंदे दो पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक गेंद एक पर बल्लेबाजी कर रहे युवराज डुगले। फिर एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास देख सकते हैं, करण कदम गेंद को फील्ड करेंगे जब तक नॉन स्ट्राइक गेंद पर थ्रो किया गया, एक रन जरूर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। ओवर नंबर 2 समाप्त हुए, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन की बात की जाए 5 के औसत से लगे 10, 3 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई टीम इस वक्त कुणाल इलेवन तिल से। धन्यवाद धन्यवाद इसे चला प्रणित 25 मिनिटाच्या आत तुम्हाला 5 षटक परिपूर्ण करायची दक्षता घ्या। काल आपण दोन संघांना पॅनलाइज केले गेले, त्या अनुषंगाने तुम्हाला 25 मिनिटाच्या आत 5 षटक परिपूर्ण करायची दक्षता घ्या प्लीज। तो देखा जाए इस वक्त फिर एक बार अविनाश बुरकुट को गेंदबाजी के बुलाया जाएगा, अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर आएंगे और टीम के दो तीसरी ओवर 2 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की बात की जाए रन लगे स्कोर कार्ड पर हम देख सकते हैं मात्र 10, 3 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई चेतन पुरबिया इस वक्त स्ट्राइक पर है। युवराज डुगले की बात की जाए युवराज डुगले स्ट्राइक पर 2 गेंदे 2 पर है, चेतन पुरबिया 2 गेंदे 2 पर है, पंकज धोड़ी हम देख सकते हैं आज इन एक्शन नजर आएंगे टीम में खेलते हुए। फील्डिंग की सजावट देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड बैटर के लिए डीप बैकवास को लेग पर एक खिलाड़ी को रखा गया, डीप काउ कॉर्नर पर जयेश है, एक खिलाड़ी को हम देख सकते हैं डीप लॉन्ग ऑन डीप वाइड लॉन्ग पर एक खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, शॉट एक्स्ट्रा कवर शॉट फाइन लेग शॉट थर्ड मैन और जो खिलाड़ी शॉट एक्स्ट्रा कवर में था उस शॉट लॉन्गो पर लाया गया और एक डीप मिड ऑफ पर खिलाड़ी को रखा गया। चलो मैच की शुरुआत किया, ज्यादा वक्त लिया जा रहा है प्रणीत प्लीज ध्यान में रखिएगा, पहले गेंद इस ओवर की लॉन्ग स्टॉप पर गेंद ट्रैवल हुई है 4 रन के लिए। धन्यवाद इसे तो देखेंगे इस वक्त पहली गेंद पर चौका बटोरा गया 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जिसको कार्ड जाए जो 14 फील्डिंग में फिर एक बार बदलाव करने का प्रयास करेंगे। 2 ओवर में 10 थे पहले मैंडल की पावर प्ले की, 2 ओवर बेहतरीन डाले गए 3 विकेट झटकाया, मगर युवराज डुगले जब भी टीम मुसीबत में खड़ी होती है वो आकर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, रनों का अंबार जरूर लगाते हैं, पहले दिन ही एग्जाम्पल दिया था उन्होंने देख सकते जहां पर लगातार विकेट आए थे वहां से उन्होंने आए और 52 रन अपने टीम के लिए बनाया और 77 तक पहुंचाया टीम स्कोर कार्ड। वो बल्लेबाज मैदान के अंदर है युवराज डुगले, एक बार थोड़ा सा अलग तरह का शॉट खेला खिलाड़ी वहां पर आया मगर बैक टू बैक दूसरा छौका युवराज डुगले के बल्ले से 4 रन। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। तो 2 गेंदों पर 2 चौकियां हैं, समीकरण बदलता हुआ 18 पर जा पहुंचा है, थोड़ा सा महंगी शुरुआत युवराज डुगले इस वक्त लेफ्ट हैंड बैटर हावी साबित होते हुए मिस्टर अविनाश बुरकुट के ऊपर। गुरु सुशी की कमेटी मेंबर का काफी मेहनत कर रहे हैं इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए, हमने देखा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक इसी मैदान पर होते, मैच समाप्त होने के बाद भी काफी मेहनत ले रहे हैं हर एक कमेटी मेंबर्स और कमेटी मेंबर के साथ जुड़े हुए साथीदार सहकारी उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इसी बीच गुरु सीसी कमेटी के अध्यक्ष जनाब तफसीर खान साहब का आगमन, तो वेलकम सर आपका हार्दिक स्वागत होगा, साथ ही उनके नवाबजादे हम देख सकते हैं आज के दिन में संडे है छुट्टी तो उन्हें भी लेकर पहुंचे हैं तफसीर खान साहब और आपके नवाबजादे दोनों का ही तहे दिल से इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखा जाए इस वक्त हल्की सी अपील करने का प्रयास किया गया था, थोड़ा सा चर्चा की जा रही है, चलिए प्लीज मैच की शुरू की जाए अविनाश सर चला
जर विकेट मध्ये जरी चेंडू गेला बेस नाही पडला तर विकेट कसा आउट असणार आहे सर? यस, बेस म्हणणं आवश्यक आहे हे आपण दक्षात घ्या. प्रत्येक क्रिकेट मध्ये मला वाटते हे सुद्धा घटना घडल्या गेल्यात. इंटरनॅशनल क्रिकेट मध्ये अशी घटना पाहू शकता आपण, घडली जाते गुरुसिंह क्रिकेट एक गाव एक आयकॉन स्पर्धेमध्ये. तर तिसरा षटक मार्गस्थ आहे, पहिला दोन चेंडू दोन चौकार आहे, तदनंतर तिसरा चेंडू निधाव टाकला गेला. युवराज डुकले चांगली बॅटिंग करतो, आतापर्यंत त्याच्या बॅटवरून पाच चेंडू मध्ये दहा धावा जमा केल्या गेल्या. अजूनही पाहिलं तर येणारे या षटकामध्ये तीन चेंडू खेळ बाकी असेल. तिसरा षटक मार्गस्थ मैदानाच्या आतमध्ये, एका बाजूला कुणाल निर्मल तुळशे तर एका बाजूला पाहू शकता आपण मौजिज वॉरियर, असे दोन संघ मैदानाच्या आतमध्ये. यानंतर एक गाव एक ओपन अशा सामन्याला सुरुवात होतील. पहिला सामना असणार आहे रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न अंगाला चेंडू लागला, अपील नक्कीच केली गेली. पहिली धाव वेगाने घेतली, दुसऱ्याचा प्रयत्न केला जाईल का? युवराज डुकले पुढे सरसावतोय, पंचाने की लेग बायचा कॉल करतात. धावसंख्या एक ने पुढे सरसावली गेली, धावसंख्या दोन पोहोचल, धावफटका तब्बल लगावली गेली. 19-19 एसके ब्रदर्स तलासरी विरुद्ध श्री साई देदनादन असा सामना असणार आहे. यानंतर तिसरा सामना आजच्या दिवसामध्ये, तिसरा उपांत्य फेरीचा सामना. चला देदनादन संघाचे संघ नायक आमच्या कॉम्बॉक्स कडे लगेच यायचं आहे, फॉर्म फिलअप करून घ्या लगेच, चला प्लीज. धावसंख्येची गोष्ट की धावसंख्या लगावली गेली 19, चार चेंडू आतापर्यंत खर्च केले गेले या षटकामध्ये. नऊ धावा जमा केला गेला बॅटर्सनी. चेतन पुरोबिया ऑन स्ट्राइक, दोन चेंडू आतापर्यंत त्यांनी फेस केला, दोनवर फलंदाजी करतोय चेतन पुरोबिया. फुलटॉस बरोबर ऑफ साईडला कार्पेटच्या दिशेने रोल केला गेला डीप मध्ये. सचिन गरज चांगला क्षेत्र, सचिनच्या माध्यमातून चांगली फेकी सुद्धा केली गेली. अॅक्युरेट थ्रो पाहायला जाईल. धावसंख्या एक नंबर सहसा होते, धावसंख्या जाऊन पोहोचेल, धावफटका तब्बल 20. षटक क्रमांक तिसरा मार्ग असतो, पाच चेंडूचा खेळ संपला गेलाय, दोन चौकार दोन सिंगल एक निर्धाव चेंडू. पहिल्या दोन षटकामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला भेटली मॅन्डेटरीच्या, पावर दोन षटकामध्ये मात्र दहा धावा खर्च केल्या होत्या आणि तीन गडी बाद केले होते गोलंदाजाने. या षटकामध्ये आतापर्यंत दहा धावा खर्च केला गेला. शेवटचा अंतिम चेंडू या षटकामधला, युवराज डुकले यावेळी हळूवार खेळला गेला. बघूया आपण गोलंदाजी प्रयत्न चांगला केला होता, परंतु करण कदम आलाय बॅकअप साठी, एक धाव परिपूर्ण केली गेली. षटक क्रमांक बघता बघता तिसरा संपला गेलाय, सातच्या सरासरी धावा जमा केल्या गेल्या तीन गडीच्या मोबदल्यामध्ये 21-21 धावा. धन्यवाद डीजे मास्टर. आता मैदानाच्या आतमध्ये तीन षटकांचा खेळ संपला गेला, 21-21 धावा. धाव फटका पाहू शकता आपण कमलेशजी पांडे, पांडे फॅमिलीला घेऊन नक्कीच उपस्थित आहेत. तसंच तपसीर खान साहेब पाहू शकता आपण, त्यांचे सुपुत्र म्हणून उपस्थित झालेत. प्रत्येक कमिटी मेंबर यांच्या माध्यमातून आलेल्या प्रेक्षकांचा, खेळाडूंचा प्रतिदा हार्दिक स्वागत असेल. आजचा मेगा फायनल डे आपण पाहतो. दुसरा सामना उपांत्य फेरीचा, एका बाजूला मोजेश वॉरियर तर एका बाजूला संघ पाहू शकता आपण कुणाल 11-300, एका बाजूला वाडा तालुक्याच्या संघात, एका बाजूला त्रासदी तालुक्याचा संघ आपण पाहू शकता. पहिला चेंडू ऑफ साईडला खेळला गेला, करण कदम पाहू शकता चेंडूला फील्ड करण्याचा प्रयत्न करेल. चेंडूला फील्ड केला जाईल, थोडासा नक्की चेंडूला अडवलं गेलं, परंतु दुसरी गाव घेण्याचा प्रयत्न करत नाही दोन्ही बॅटर्स. करण कदम ऍज अ आयकॉन मॅन फ्रॉम भिवंडी आपण पाहू शकता सज्ज झालाय. जेव्हा जेव्हा तलासरी संघ पाहू शकतो आपण खेळतो, तेव्हा तेव्हा ऍज अ आयकॉन आपण पाहू शकता. मोडगावमध्ये सुद्धा करण कदम आयकॉन हा खेळाडू पाहायला भेटला. चेतन पुरबिया बॅटची भारी जिकडा, प्रणितचा प्रयत्न चांगला, सुरेख प्रयत्न केले गेले, सुरेख स्वतःला स्ट्रेच केला गेला. जेल टिपण्याची संधी होती, परंतु पाहायला गेलं तर थोडासा चेंडू मागे राहिला, परंतु प्रयत्नाला नक्कीच 100 मार्क दिले जातील. आपण पाहिलं एक लेदर क्रिकेटचा सुरेख खेळाडू आहे या भागामधला, तसं पाहिलं दीपक वानखेडे हे सुद्धा पाहिलं, दोन्ही अप्रतिम खेळाडू, परंतु थोडा कुठे कुठे बॅकफूट पण आले क्रिकेटच्या माध्यमातून, क्रिकेट थोडासा कमी खेळत आहेत, परंतु एक गाव एक संघासाठी खेळण्यासाठी सज्ज झालेत. सन्मयक आपण पाहतो सामन्यात, चालून घेत असताना वेलकम सन्मयक, आपल्या सुद्धा हार्दिक स्वागत असेल.
याला इसला फेरे चेडूला खेळाडू आहे आणि यावेस हो व्हाट अ फील्ड व्हाट अ फील्ड आपण पाहायला भेटला खेळाडू अनिकेत रिंजवड आपण पाहतोय हा प्रतिम क्षेत्ररक्षण ताळ्यांचा गजर नक्की झाला पाहिजे अनिकेत साडे काय क्षेत्ररक्षण केलं गेलं आपल्या संघासाठी तब्बल पाच धावा सेफ केल्यात आपण सांगतो ना ऊंचाई नाही मिळती आहे पेरो की एरिया उठाने से ऊंचाई नहीं मिलती है पेरो की एरिया उठाने से ऊंचाइयां मिलती है कुछ कर दिखाने से यावेस पायांच्या टाचाना नक्कीच उंच घेऊन गेला आणि आपल्या संघासाठी पाच धावा नक्कीच वाचवल्या गुड फील्ड धावसंख्या रन पोहोचले एक निपुट सचावली गेली 24 धावा 24 धावा दाखल कव्हर लगावल्या गेल्या अजूनही पाहिलं तर शेवटचे तीन चेंडू खेळ बाकी असेल रिवर्स करण्याचा प्रयत्न होता परत आणि केदारा चेंडूला फील्ड करतोय थोडासा फंबल झाला परत एक धाव आपण पाहिलं 2022-2023 या स्पर्धेमध्ये तलासरी नगर पंचायत प्रीमियर लीग मध्ये उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून या खेळाडूला नक्की ट्रॉफी दिली गेली असा खेळाडू अनिकेत रिंजड अप्रतिम क्षेत्ररक्षक म्हणून त्याची ख्याती आणि त्याने सज्ज केलंय मला का अनिकेत राजन नक्कीच याला का ट्रॉफी दिली गेली सांगितलं जातं अप्रतिम खेळाडू यंगेस्ट खेळाडू आहे आणि तलासरी संघामध्ये खेळण्याची संधी दिली गेली असलं नक्कीच थोडस चेंडूला बाहेर काढला गेला पण सांगितलं व्हाईट बॉल दर्शवत आहेत ऑफिनचा चेंडू बाहेर होता पंचांनी दोन्ही आज समांतर केले धावा एक येतील समांतर धावसंख्या एक निपुट ससावली गेली धावसंख्या दोन पोहोचल 25 अजून येणारे चेंडू असतील या षटकामध्ये तब्बल दोन ऑफ साईडला खेळला गेला फटकाचा सुरे काय उमेश कुंभ पाहतो आपण चांगला क्षेत्ररक्षण संघनायक चेंडूला फील्ड करतो फेकी करतो अप्रतिम अप्रतिम काय क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटतो तळांचा गजर होतो प्रत्येक तळातीच्या प्रेक्षकांच्या हातामधून चांगलं क्षेत्ररक्षण केला जातोय त्यावेळेस सफल झाला चेंडूला शेवट पण रीड केला चेंडूला पाठवून दिलाय चौकारासाठी पाहिलं तर या षटकाच्या शेवटच्या चौकारला धावसंख्या 31-3 चार षटकांचा खेळ संपला गेला 31 धावा धावफक या षटकावर तब्बल 10 धावा जमा केल्या गेल्या येणारे दोन षटकांचा अजूनही खेळ बाकी असेल तर चला पटेल मी कॉल करतोय श्री साई देवनाथन संघाचे संघनायक चला आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये लगेच जायचं प्लीज चार षटकांचा खेळ संपला गेला चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावांची गोष्ट धावा पाहू शकतो आपण लगावल्या गेल्या 31 या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर नक्कीच चौकार आलाय बघूया आपण पाचव्या षटकामध्ये अजून एक अनुभवी खेळाडू या भागामधला संतोष भुरकुट पाहू शकतो आपण गोलंदाज मागे सज्ज होतोय अप्रतिम गोलंदाज आहे 42 वयाचा खेळाडू 40+ झालाय परंतु काय गोलंदाजी करतोय पाहू शकतो महत्वपूर्ण सामना आहे उपांत्यपर्यंत सामना तर हा सामना विजय होईल नक्कीच आपण पाहू शकता टॉप फोर मध्ये जाण्याची संधी आहे दोन्ही संघांकडे एका बाजूला कुणाल मोहिते विनोद मोहिते यांचा संघ कुणाल इलेवन तुळशे तर एका बाजूला मोजेजी पिल्लाई यांचा संघ मोजेश वॉरियर चला सामन्याला सुरुवात करा पाचवा षटक आहे युवराज डुकले आणि चेतन पुरविया असे दोन स्लोवर चेंडू नक्कीच अपील केली गेली लेग स्टंपला मिस करतो पंचाई दशक असताना करण कदम चेंडूला फील्ड करतात पण लेग बॅटचा कॉल पंचांकडून धावफळक एक निपुट ससावते धावसंख्या धावपोहोचल 32 आपण काल पाहिलं मात्र 50+ धावा झाल्या होत्या आजच्या दिवसामध्ये पहिल्या सामन्यात मात्र 42 धावा
पहिल्या दिवशी पाहिले आपण 80 धावा, दुसऱ्या दिवशी पाहिले आपण 80-75 धावा, तिसऱ्या दिवशी पाहिले आपण 100 धावा सुद्धा एका संघाने लगावल्या. परंतु काल एक वेगळं प्रकरण पाहायला भेटला विकेट्सवर, आणि मात्र 40-50 धावांचा लक्ष द्यायला गेला प्रत्येक संघांनी आजच्या दिवसामध्ये. पहिल्या सामन्यामध्ये मात्र 42 धावा लगावल्या गेल्या. या सामन्यामध्ये आतापर्यंत 4.1 चेंडू खेळ संपला गेला, 32 धावा दाखवकावर आहेत. चेतन बॅकफूट लावून खेळायचा प्रयत्न होता, परंतु संतोष बुरकुट हा अनुभवी गोलंदाज आहे. आपण जेव्हा जेव्हा या खेळाडूला पाहायला काही ना काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतो, याच्याकडे व्हेरिएशन आहे. प्रत्येक 6 चेंडू 6 प्रकार टाकण्याची क्षमता या गोलंदाजाकडे पाहू शकता. आपण वेगवान गोलंदाजी, कट्टर गोलंदाजी, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या प्रकार टाकण्याची क्षमता या गोलंदाजाकडे पाहू शकता. आपण स्लोगन होता रिवास खेळला गेला फटका, चेंडूला पाठवून दिला डीप फडमॅनला, 4 धावांसाठी चौकार. धन्यवाद इजे, तर नक्कीच रिवर्सचा प्रारूप नक्कीच युज केला गेला, चौकार खेळला गेला. अविनाश भरकुट थोडेसे लांब होते त्याच्या बिहाफ राईट हँडनी, चेंडू निघून गेला डीप थर्डमॅन मध्ये. आतापर्यंत चेतनच्या बॅटून दोन चौकार चांगली फलंदाजी करतोय, तब्बल 13 अंकावर. यावेळेस बॅटची बाहेरची कडा नक्कीच लगावली. सचिन दोडे आपण पाहू शकतो शॉर्ट थर्डमॅनला आला, थ्रू करतो, डायरेक्ट हिट केला गेलाय, परंतु एक धाव परिपूर्ण केली गेली. धावसंख्या 1.67 धावसंख्या जाऊन पोहोचते 37-37 धावा धावफोकाला लगावल्या गेल्या. आतापर्यंत 5वा षटक मार्गस्थ आहे, 4 चेंडूचा खेळ संपला गेलाय. नक्कीच पहिल्या 2 षटकांची गोष्ट केली, पहिल्या 2 षटकांमध्ये मात्र 10 धावा होत्या, 3 गडी बाद झाले होते. तदनंतर मागील आपण 10 चेंडूची गोष्ट केली, मागील 10 चेंडूमध्ये तब्बल 21 धावा जमा केल्या गेल्या. अशा प्रकारे गोलंदाजी केली गेली. अजूनही पाहिलं तर येणारी या षटकामध्ये 2 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. अप्रतिम बॅटिंग दोन्ही फलंदाज करताना, एका बाजूला युवराज डुकले तर एका बाजूला चेतन पुरबिया. मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न, अपील बोर्ड वरती, फलंदाज युवराज डुकले मैदानाच्या बाहेर, विकेट नंबर गॉन, 4th. धन्यवाद सर. संदेश धारणे कॅप्टन फॉर्म फिलअप साठी लगेच या, 5वा षटक मार्गस्थ आहे. संदेश भाऊ भाऊ चला फॉर्म फिलअप करून घ्यायचा आहे, आणि इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार, दक्षता घ्या. तर बघा आपण नवीन बॅटर मैदानाच्या आत, निलेश बसवत. नक्कीच चेतन पुरबिया यांना बसवत जर नाव आठवण द्यायचं, नक्कीच त्यांच्या मित्राची आठवण आली असेल तुषार बसवत यांची. परंतु निलेश बसवत लेफ्ट हँड बॅटर सुद्धा आहेत, हे सुद्धा पाहिलं जाईल. निलेश बसवत नवीन फलंदाज, 4था गडी बाद झाला, फिल्डिंग मध्ये तसा चेंजेस केला जातील पाहू शकता. आपण सचिन घरत यांना लॉंग ऑफला सज्ज केला गेलाय, शॉर्ट मिड ऑफला पाहू शकता. पंकज धोडी बॅकवर्ड पॉइंटला, उमेश कुम बॅकवर्ड स्कोर लेग, डीप विकेट, डीप लॉंग ऑन. पुढे सचन खेळायचा प्रयत्न होता, अपील केली गेली, पाहू शकता आपण धाव घ्यायचा प्रयत्न करत नाही, काय गोलंदाजी केली, त्यानंतर गजर संतोष बुरकुट साठी चौकारला, परंतु मात्र धावा कच्च केला गेला, तब्बल 6 धावा 1 गडी बाद केला गेलाय. 5 षटकांचा खेळ संपला, धावांची गोष्ट की धावा आहेत त्या 37-37. चला विनंती करेल श्री साई देवनाथन संघाने, 5 षटक संपले गेलेत प्लीज. संदेश भाऊ थोडासा त्वरा करा, लगेच या फॉर्म फिलअप करायचा आहे, तदनंतर टॉस केला जाईल, या प्लीज. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. तर बघा आपण करण कदम गोलंदाज सज्ज होत आहेत शेवटचं अंतिम षटक घेऊन. यावेळेस ऑफमॅनच्या बाहेर पहिला चेंडू व्हाइट टाकला गेला, व्हाइट बॉल लक्कीच दिला गेला, एक्स्ट्रा चेंडू. धावसंख्या 1.67 धावसंख्या दर पोहोचेल, धावफलका 38-38. चेतन पुरेपे चांगली बॅटिंग करतोय, 2 चौकार त्याच्या बॅटवर आतापर्यंत पाहायला भेटले.
पुढे ससाला आहे फटका तर फर्स्ट स्लॅब हो गया करण कदम स्वतः चेंडू खाली येतोय परंतु पंकज धोडी जबर देईन चेंडूला फील्ड करेल दोन धावापारी पूर्ण केल्या गेल्या धावसंख्या दोन ने पुढे ससावली गेली धावसंख्या दोन पोहोचेल धाव फटका तब्बल लगावल्या गेल्या एक चाळीस धावा फोर्टी बघूया आपण चाळीस धावा पहिल्या दोन ऑफ साइड खेळा गेला बघूया आपण डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न होता डीप मध्ये खेळाडू आहे जयेश गेंदला फील्ड करतोय चांगला चित्रण चांगली पैकी सुद्धा केली गेली आणि यावेळी हो यावेळी चुकी चुकी डायरेक्ट हिट खेळासाठी सोडला गेला होता परंतु बघूया आपण यावेळेस पाहू शकता आपण गडी बाद तिसऱ्या धावण्याच्या मध्ये गडी बाद झाला बघूया आपण चेतन स्ट्राईक वर नक्कीच वाचला परंतु नॉन स्ट्राईक ला बाद झाला दोन धाव परिपूर्ण केला गेला धावसंख्या दोन पुढे ससावे धावसंख्या दोन पोहोचेल धावफडका तब्बल बेचाळीस धावा फोर्टी टू धावा धावफडका लगावल्या गेल्या बघूया आपण नवीन बॅटर नॉन स्ट्राईक एंड वर आलाय फलंदाज पाहू शकता आपण सौरभ परंतु स्ट्राईक वर निलेश बासवत करण कदम पुढचा चेंडू घेऊन येतोय सुरेख चेंडू अप्रतिम चेंडू टाकला गेला कुठे धाव घेण्याचा प्रयत्न करत नाही विकेट किपर कीर्तेश भोळे चेंडूला फील्ड करतो धावांची गोष्ट की धावा धावपकडला स्थिरावली गेली बेचाळीस धावा शेवटची अजूनही येणारे अंतिम तीन चेंडूचा खेळ बाकी असेल शेवटची तीन चेंडू खूपच महत्वपूर्ण पुढे ससन खेळाचा प्रयत्न ऑफ रामला खेळला गेला पंकज धोडी चेंडूवरला चांगला क्षेत्रक्षण केले गेले चांगली फेकी सुद्धा केली गेली पंकज धोडी आपण पंकज धोडीची गोष्ट केली तर एक शांतमय खेळाडू आहे अप्रतिम अष्टपैलू खेळाडू जास्त काय बोलत नाही चेहऱ्यावर स्माईल परंतु शांत खेळाडू बॅट आणि चेंडू खूप काय बोलून जातोय असा खेळाडू पाहू शकतो आपण सचिन गरज असेल पंकज धोडी असेल यशवंतजी विश्वकर्मा साहेब आपला हार्दिक स्वागत असेल आपण येऊन आमच्या मुख्य व्यासपीठ विराज म्हणायचं आहे चला आपण पाहू शकता राईट हँड बॅटर स्ट्राईक वर आहे सौरभ सौरभ साठी फिल्डिंगला नक्की थोडासा बदलाव केला जातोय सौरभ काळे स्ट्राईक वर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पंकज धोडी चेंडू खाली आला आहे मी सांगितलं पंकज धोडी एक अप्रतिम खेळाडू आहे आणि तो पुढे आला झेल टिपला काही हावभाव त्या चेहऱ्यावर नसणार आहे तो पर्यंत फिल्डिंग मध्ये सज्ज होईल असा खेळाडू धन्यवाद डीजे नक्कीच पाहिलं तर या षटकामधला अजूनही पाहिलं तर येणार अंतिम चेंडू असेल धावा आहे धावफडकावर त्रेचाळीस मी सांगितलं ना कालपासून धावांचा लयलूट थोडासा कमी झालाय वाटतं समीर खान टिंकू यादव पूर्ण कमिटीने जी मेहनत घेतली विकेटवर यावेळेस गोलंदाज नक्कीच जास्त मदत आणि जास्त सहाय्य भेटायला लागतंय काल आपण पाहिलं मात्र शेवटच्या अंतिम सामन्यामध्ये 52 धाव बनवल्या होत्या ते म्हणजे व्हीटी वॉरियर्स वलसाड नारगोल संघाने त्या धावा चेस केल्या होत्या श्री साई थेदनाथन संघाच्या फलंदाज प्रज्योत अंबिलने चांगली फलंदाजी केली होती त्या इनिंग्स मध्ये 16 धावा त्यांनी बनवल्या मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याला दिला गेला होता शेवटचा अंतिम चेंडू स्ट्राइकर कुणाल टॅप केला गेलाय पाहू शकता आपण सचिन दोडे चेंडूला फील्ड करेल एक धावणे तरीपर्यंत दुसऱ्याचा प्रयत्न केला जाईल का आणि फेकी केली गेली दुसरा धावण्याच्या नादामध्ये घडी बाद झालाय घडी क्रमांक बाद झाले तब्बल 7 धावा येतात 43 आणि 44 माफ करा आणि 45 धावांचा लक्ष 6 षटकांमध्ये बनवायचे 45 चला टॉस साठी दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी या फॉर्म फिलअप करून घ्यावा छोटीची ब्रेक ब्रेक नंतर लगेच आपण सामन्याकडे वळणार आहोत कुठल्याही प्रेक्षकांनी मैदानीच्या आतमध्ये यायचं नाही लक्षात घ्या कुठली प्रॅक्टिस मैदानीच्या आतमध्ये केली जाणार नाही चला विनंती शेल श्री साई दुजनादन आणि मांगेला परिवार
टॉस साठी आलेले आहेत विनंतीकरला डहाणू संघ संगणक टॉस साठी या हेलो जरूर हमारे बीच भैया जी पहुंच चुके हैं सुनील यादव, इनका भी हम स्वागत करेंगे। सुनील भैया आपका हार्दिक स्वागत। दूसरा मैच चल रहा है मैदान के अंदर, हम देख सकते हैं एक तरफ कुणाल इलिमल तिल से, एक तरफ टीम नजर आएगी मोजेश वॉरियर तलासरी। तो पहले ओवर लेकर आएंगे हम, देख सकते नीलेश शेलके को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर युवराज डेकले। जरूर महाराष्ट्र पुलिस महेश जी पाटिल सर का भी आगमन होता हुआ, वेलकम महेश पाटिल, आपका भी हार्दिक स्वागत किया जाएगा। वेलकम सर, जय हिंद। आपल्याला आपण वेलकम अशी आपण विराजमान होत आहे। तो पहले दो सलामी बल्लेबाज, एक तरफ सचिन घरत, एक तरफ कृतेश घरत, ऐसे दो बल्लेबाज मैदान के अंदर हैं सलामी बैटर के रूप में। पहले ओवर लेकर आएंगे, देख सकते हैं हम कौन से गेंदबाज को यूज किया जाएगा, युवराज या फिर नीलेश। शायद युवराज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, युवराज लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। 45 रनों का लक्ष्य 45 बनाने इस मैच को जीतने के लिए। चलिए श्री साई देवनाथन टीम के कप्तान टॉस के लिए आई, इनिंग ब्रेक हो चुकी है भाऊ, चलो टॉस साइड प्लीज। मैं विनंती करूंगा महेश पाटिल सर हमारे महाराष्ट्र पुलिस, इनके हाथों से टॉस किया जाएगा। सर यह आपका शुभ सेवन टॉस करा। तो टॉस केला जातो धोनी संघ पाहू शकता आपण।
चला सामने शुरुआत करा। युवराज पहिला गोलंदाज पाहू शकणार आहोत। हिट चा कॉल केला गेलाय आणि टॉस विन झालाय श्री साई देदनादन। स्केल स्केल ना तो पहली गेंद इस वक्त हल्के बल्ले से खेली, खिलाड़ी वहां पर है, गेंद को फील्ड करते हुए एक सिंगल बटोरा गया। तो चलेंगे पहली गेंद पर सिंगल आया है कृतिश भरत के बल्ले से। युवराज डुकले और कृतिश काफी साथ में खेल चुके हैं क्रिकेट, भलीभांति जानते हैं किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं बल्लेबाज। सचिन गरा तो हो इंडियन आउट का फटका, बेहतरीन शॉट, गेंद को भेज दिया वन बाउंस सीमा निशा पार, आते हुए पहले सचिन के बल्ले से चार। धन्यवाद धन्यवाद। पंडित बिल्कुल उपलब्ध सिद्धा दीदी स्वागत है शील। तो इस वक्त क्या खूबसूरत शॉट खेला सचिन घरत ने यहां पर, सेंसिबल क्रिकेट में कहूंगा। चौका लगने के बाद एक सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किए गए, एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा। इस वक्त छह अंकों पर तीन गेंदें हो चुकी हैं, पहली मैंडेटरी की पावर प्ले की पहली ओवर चलते हुए छह रन बटोरे जा चुके हैं। अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा इस ओवर की करते हुए सचिन घोर तो कृतिश भरत दो सिंगल एक चौके, मैं अभी तक छह पर पहुंच चुका स्कोर कार्ड। यहां से बनाने हैं इस मैच को जीतने का 39 मगर कभी भी मैच में पलटवार करने का मौका हमेशा गेंदबाज के पास जरूर होता है। यहां पर कमबैक किया जाएगा क्या, बैकफुट पर आकर गेंद को खेला चेतन पुरे भी गेंद को फील करते हुए नॉट स्ट्राइक, गेंद पर रोक दिया गया। थोड़े से जल्दबाजी में थे सचिन गरत, आखिरी मोड़ में पलटे। कहते हैं ना कि जब आप विकेट पर दौड़ते तो तीन शब्द आपके मुख से आना जरूरी होता है, चल रुक नहीं, यस नो वेट। यहां पर यही कॉल देखने को मिला हमारे बीच। महाराष्ट्र पुलिस महेश जी पाटिल जुड़े हुए, उनके जानकारी है कि अगला जो मैच होगा महेश पाटिल सर उस टीम में तीन पुलिस खेलते हुए नजर आएंगे, हितेश वजे, संदेश धारने और सूरज मेहर, ऐसे तीन महाराष्ट्र पुलिस आपको इन एक्शन देखने को मिलेंगे। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, कारपेट द्वारा डीप में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद की तरफ आए गेंद को फील किया गया सौरभ काले द्वारा, जब तक गेंद को फील किया गया थ्रू किया जाएगा, एक सिंगल बटोरा गया। एक रनों के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा सात अंकों पर, गेंदों की बात की जाए गेंदी हो चुकी पांच। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति पथ पर है, बिना को विकेट गवाए बल्लेबाजी करती हुई टीम। सचिन गरत एक मंजे पर बल्लेबाज है, शांत बल्लेबाज है और अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और सर्कल का सही इस्तेमाल इस बल्लेबाज को करना जरूर पता है, मगर इस वक्त गेंद टप्पा गया थोड़ी सी बाहर की ओर निकली डॉट बॉल। इस ओवर में दो गेंदें बिंदी आई हैं, तीन सिंगल एक चौका, रन लगे हैं सात, पहला ओवर होता हुआ समाप्त। धन्यवाद डीजे। तो चलेंगे इस वक्त फिर एक बार भागेश ठाकुर मैन फ्रॉम नांदगांव जो आइकॉन खेल लिया खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा ओवर दूसरा मैच चलता हुआ मैदान के अंदर, एक बज चुके हैं, वीवो में पांच मैचेस खिलाने हैं इस प्रतियोगिता में मेगा फाइनल तक। चलिए मैच शुरू किया जाए, पहला ओवर समाप्त हुआ है, सात रन लगे मात्र स्कोर कार्ड पर। एक ओवर समाप्त होते हुए युवराज ने अच्छी गेंदबाजी की, चौका लगा मगर किफायती गेंदबाजी में कहूंगा। यहां से अभी भी 38 का लक्ष्य होगा पांच ओवर 38 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। पांच ओवर 38 का लक्ष्य कृतिश गरत, तीन गेंदे दो पर बल्लेबाजी करते हुए। और इस वक्त नटराज मित्रा में आकर गेंद को खेला, कुणाल है गेंद की तरफ तेजी से जा रहे, पहला रन तेजी से पूरा किया जाएगा, दूसरे का प्रयास किया जाएगा। इस वक्त दो रन बटोरे गए, दो रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त नौ अंकों पर 9, तो नौ पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। यहां से भी 36 का लक्ष्य होगा, पहली गेंद थोड़ा सा स्लो रखा था, लेग स्टंप के ऊपर से गेंद को खेल दिया था, कुणाल वहां पर थे जब तक
पीछे जाकर गेंद को फील्ड कर दिया लॉन्ग लेग पर, दो रन बटोर गए। चलिए ज्यादा चर्चा ना करें, तुरंत मैच को शुरू के ज्यादा वक्त ना लिया जाए, सभी से हम गुजारिश करेंगे। बैक फुट पर आकर खेला गया, टैप सर के ऊपर से, गेंदबाज के सर के ऊपर से नीली शेल किया है, इनको फील्ड करते हुए एक रन जोर बटोर गया, एक रन के साथ डबल फिगर में इसको का कन्वर्ट होता है 10 अंकों पर। बुरा खरबल के माध्यम से हम देख सकते हैं आज बॉडी चेकअप रखा गया है, रिलैक्स होम में प्लीज आप जाकर वहां पर फ्री बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। याशिन शेख, समीर खान, अयुब शेख, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिलैक्स होम। क्रॉस बैट आहोर, यह सचिन गलत, क्या बल्ले से आता हुआ खूबसूरत छह रन, इट इज ए तो यहाँ पर क्या शॉट खेला सचिन घरत के बल्ले से आता हुआ खूबसूरत छक्का, रनों की बात की जो रन जहां पर जो कार्ड पर फिलहाल हम देख सकते हैं स्वीट 16 16 पर। तो चलेंगे फिर से एक बार, सचिन घरत इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, वृद्धाश्रम में जो गेंद गई वहां से प्रोवाइड की जाए प्लीज। तो फिर से एक बार भागेश अपने ओवर की अगली गेंद लेगा सचिन घरत के लिए, जड में रखा था खुद को निकालना चाहते थे दीप में खिलाड़ी हैं, जब तक नीलेश गेंद को फील्ड करेंगे सिंगल बटोरा गया 17 पर जा पचास के कारण दूसरी ओवर प्रगति पथ पर, पहली ओवर में 7 आए थे, इस ओवर की बात कीजिए इस ओवर में अभी तक 10 रन बटोरे जा चुके हैं, 4 गेंदे अभी तक डाली जा चुकी है, पहली गेंद पर डबल, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर 6 ओवर, चौथी गेंद पर सिंगल, इस तरह के रन आए। कृतेश घरत इस वक्त स्ट्राइक पर, कृतेश ने अभी तक गेंदे खेली है 5 और 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदे खेली है 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर सचिन। जड़ में रखा था खुद को निकाला, ऑन साइड पर सिंगल सिंगल रन बटोरे जा रहे हैं, सही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज हम देख सकते हैं, एक सिंगल जरूर बटोरा गया और यहां पर एक रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 18। अभी भी आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा, 45 का पीछा करना है, देख सकते हैं हम 18 लग चुके, यहां से 27 बनाने आने वाले 25 गेंदे, 27 होने का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। इस वक्त देख सकते हैं अपील जरूर की थी स्टंपिंग के रूप में, सचिन थोड़ा सा आगे आए थे, विकेट कीपर ने चतुराई दिखाई, चेतन पूरे भी आना, विकेट का पतन, पहला झटका 18 पर 1। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। तो पानी लेकर जाइए, अंपायर का कॉल है, चलिए बैट्समैन उमेश। जयेश काकड़ इस वक्त रहे बल्लेबाज मैदान के अंदर, ओवर नंबर की बात की जाए इस वक्त 2 ओवर समाप्त हुए, 2 ओवर के समाप्त हुए 18 आने वाले 24 गेंदे 27 बनाने इस मैच को जीतने के लिए। पहले ओवर युवराज डुकले ने डाली थी 7 रन खर्च किए, इस ओवर में हम देख सकते हैं 11 रन आए हैं, एक विकेट चटकाने में कामयाब। चलिए मैच की शुरुआत की जाएगी, फिर एक बार तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज होंगे ये देखा जाएगा,
इसके बाद जो मैच खेला गया हम देख सकते हैं दो टीमें क्या नजर आएंगे, एक तरफ श्री साई देवनाथन तो एक तरफ टीम नजर आएगी हम देख सकते हैं एसके रुद्र तलाश्री एक गांव एक ओपन की टीमें नजर आएंगे, इसमें दो आइकॉन खिलाड़ी खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। इसके वजह से हम देख सकते हैं विघ्नेश साकर तो दीपेश गोलप एज आइकॉन और श्री साई देवनाथन में हम देख सकते हैं प्रज्योत अंबीर और विकी काले वाड़ा तालुका खिलाड़ी इस वक्त नजर आएगा एज आइकॉन, कल राकेश प्रभु खेलते हुए नजर आएगा, विकी काले नजर आएंगे इन एक्शन। युवराज फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए कृतेश खरत स्ट्राइक पर नजर आते हुए, फुल टॉस बॉल हल्के बल्ले से खेला एक रन तेजी से पूरा करेंगे डीप में खिलाड़ी है, जब तक गेंद की तरफ आया खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग दूसरा रन भी बटरा गया, दो रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 20 यहां से बनाने 25, तेज गेंद 25 रनों का लक्ष्य होगा, तेज गेंदों में 25 बनाने इस मैच को जीतने के लिए 45 रनों का लक्ष्य है। अंपायर थोड़ी चर्चा करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के साथ जयेश काकड़ और कृतिश थोड़ी सी चर्चा कर रहे और यहां से अगर देखा जाए तो एक बड़ा शॉट खेलना सिंगल डबल से इस मैच को जीत सकती है मोजेश वॉरियर, मगर युवराज डुकले एंड टीम को कम बैक करना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, लगातार विकेट यहां पर चटकाने होंगे और यहां पर लॉफ कर दिया लॉन्ग लेग के ऊपर से दर्शकों को सलामी देने वाली गेंद आउट ऑफ द पार्क, ये आता हुआ गुरु सिंह शिक्षर 6 रन। धन्यवाद इसे तो सर इस वक्त घुमा के मारा है कृतिश गरत ने ऑफ के बाहर जाकर सफल होकर गेंद को खेला गया 6 रन के लिए, इसको काट जा पहुंचा इस वक्त हम देख सकते हैं 26 रनों पर जा पहुंचा। फिर एक बार हल्के बल्ले से खेला सूझबूझ बरू बल्लेबाजी की जा रही, खिलाड़ी वहां पर है खिलाड़ी जब तक इनको फील्ड करने के रन बटोरा गया, छक्का लगने के बाद स्ट्राइक रोड किया, एक शांतमय से बल्लेबाजी की जा रही है और एक सिंगल बटन रह गया एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जिसको कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 27-27 यहां से 18 की दरकार है। गेंदों की बात की जाए गेंदें आने बाकी होंगे 21 गेंदे 18 की दरकार, अभी तक 3 गेंदों में 9 रन बटोरे गए। कृतिश गरत की बात की जाए अभी तक गेंदे खेली है उन्होंने 9 गेंदे 15 पर बल्लेबाजी कर कृतिश गरत लेफ्ट हैंड बैटर इस वक्त जयेश काकड़ जयेश को इस वक्त स्लो गेंद रखी थी, स्लो गेंद जयेश ने सर पे अपने हाथ रखा है क्योंकि सरप्राइज हुए थोड़ा सा असमंजस में थे किस तरह से गेंद को खेले, मगर स्लो वन डिलीवरी विकेट कीपर के हाथों में जाकर समावेश होती, चौथी गेंद डॉट डाली गई है, 20 गेंद 18 की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। ऑफ साइड में गेंद को खेला गया देख सकते वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद की तरफ आए गेंद को फील्ड किया गया एक रन बटोरा गया, आदरणीय सम्मान्य सुरेंद्र निकुम साहब का आगमन होता है, वेलकम सर आपका हार्दिक स्वागत किया जाएगा, हम देख सकते हैं सम्मान्य विनोद जी मेहरा साहब आपका भी हार्दिक स्वागत होगा, तो जरूर मैच काफी रोमांचक है, 19 गेंदे बनाने इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 17 रनों का लक्ष्य का युवराज डुकले फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए और यहां पर हल्के बल्ले से खेलना चाहते शॉर्ट थर्डमैन पे खिलाड़ी है, गेंद को फील किया गया तेजी से थ्रो किया गया एक सिंगल बटोरा गया, इस ओवर की बात की जाए इस ओवर में रन बटोरी जा चुकी है 11, ओवर नंबर समाप्त हुए 3, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की बात की जाए रन लगे उसको कार पर 29 यहां से बनाने इस मैच को जीतने के लिए हम देख सकते हैं 16 रनों का लक्ष्य होगा। जरूर देखा जाए आदरणीय सम्मान्य सुरेंद्र दादा निकुम इनका आगमन होता है, वेलकम सर आपका तहे स्वागत किया जाएगा, साथ ही साथ विनोद मुंडा सर आपका भी हार्दिक स्वागत वेलकम आगतम स्वागतम सुस्वागतम आए हुए सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे हमारे इस प्रतियोगिता में, साथ ही साथ सागर सर आपका बहुत बहुत वेलकम होगा, सागर भोरसे सर बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, सभी कमेटी मेंबर जो मेहनत कर रहे हैं काफी बढ़िया, 29 लगे मात्र 16 की दरकार है, 18 गेंदे 16 बनाने इस मैच को जीतने के लिए कृतिश खरत ऑन स्ट्राइक एक छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक
सर पिछले बॉल के लिए आपने रिव्यू लिया है ना, अभी के बॉल के लिए? वो बाउंसर बॉल वाइड है उसके लिए नहीं है ना, अभी के लिए बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया है। सर ये गेंद वाइट है, अंपायर ने दर्शाया ये गेंद वाइट है, फिर से एक बार गेंद डालनी होगी। बैटिंग रिव्यू सक्सेस होता हुआ रन लगे उसके कार्ड पर फिलहाल हम देख सकते हैं। अभी कितना हुआ? 36 हुआ ना। अगर ये गेंद पर बल्लेबाज छक्का लगा दे तो विनोद मेहरा सर के तरफ से 1000 रुपए का इनाम आएगा। इस गेंद पर छक्का लगाते करण कदम तो 36 लगे स्कोर कार्ड पर। 9 रनों के दक्ष होगा इस मैच को जीतने के लिए। 13 गेंदें 9 इस वक्त उड़ाया गेंद को खिलाड़ी दूर है चेतन पुरविया। गेंद के नीचे आए करण कदम मैदान के बाहर, विकेट डाउन। 14 रन लगे 36 आने वाली गेंदों की बात की जाए 12 गेंदे बनाने 9 इस मैच को जीतने के लिए। तो देखेंगे इस वक्त नए बल्लेबाज अनिकेत मैदान के अंदर, 4 विकेट आए हैं, 12 गेंदे 9 बनाने। इस वक्त रशीद शेख लालू भाई आपका वेलकम होगा, हार्दिक स्वागत हमारे मंच पर। तो नए बल्लेबाज अनिकेत बल्लेबाजी के चेतन पुरे ने बढ़िया कैच लपका, जरूर मैन फ्रॉम सुरंगी सरोवर भाई कालिया साहब का आगमन होता है। वेलकम सर, आपका भी हार्दिक स्वागत। तो गेंदबाज की बात की जाए तो गेंदबाजी के लिए आएंगे मिस्टर सागर अयूब शेख साहब सरोवर भाई के साथ आते हुए। अयूब शेख साहब आपका भी हार्दिक स्वागत, हमारी कमेटी के सह सचिव है अयूब शेख साहब, वेलकम। और सरोवर भाई सरोवर जनाब आपका भी हार्दिक स्वागत। टिंकू भाई आपको बुला रहे हैं, अयूब भाई आइए प्लीज। तो चलेंगे मैदान के अंदर, 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं टीम की तरफ से मिस्टर सागर। स्ट्राइक पर उमेश कुम, 12 गेंद 9 रन का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। हल्के बल्ले से खेला, गैप में गेंद है, एक रन तेजी से पूरा करें, दूसरे का प्रयास किया जाएगा। उमेश कुमार आगे निकले थे मगर वहां पर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक रन के साथ संतुष्ट होना होगा। यहां से 11 गेंद, 8 रन का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। देख सकते हैं अभी भी अगर सिंगल सिंगल बटोरे जाए तो कहीं ना कहीं मैच बन सकता है, मगर यहां से अगर गुच्छों में विकेट आए, क्योंकि 4 विकेट जा चुके हैं, छठे क्रमांक पर अनिकेत आए हैं और बात की जाए चौथे क्रमांक पर उमेश, यहां से अगर लगातार 1-2 विकेट और चटकाए जाएंगे ओवर में तो मैच में रोमांच जरूर पैदा होगा। मुझे श्योर है थोड़ा सा बैकफुट पर आ सकती है, मगर अनिकेत एक यंग टैलेंट बल्लेबाज है, पहले गेंद खेलते हुए इनिंग का शॉट था, बढ़िया खेला, खिलाड़ी वहां पर हैं, गेंद को फुल किया गया, सिंगल रन बटोर गया, एक रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जिस स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 38 यहां से बनाने 10 गेंदे 7 रनों का लक्ष्य, 10 गेंदे 7 बनाने इस मैच को जीतने के लिए। अभी भी दस गेंद 7 रनों का लक्ष्य होगा। फिर से एक बार गेंदबाज सागर गेंदबाजी के लिए तैयार, उमेश कुम कप्तान स्ट्राइक पर। इस वक्त फाइन लेग के ऊपर से गेंद को खेल दिया, डीप लॉन्ग लेग, फाइन लेग पर गेंद ट्रैवल होती हुई, खिलाड़ी हैं मगर गेंद 4 रन के लिए, चौका उमेश के बल्ले से 4।
धन्यवाद जी। तो रनों की बात की जाए रंजा पर, जिसके कारण फिलहाल हम देख सकते हैं 42 तीन रनों का लक्ष्य होगा। मोजिश वॉरियर मात्र तीन कदम दूर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, एक टीम जरूर पहुंच चुकी है, बीटी वॉरियर्स वलसाड सेमीफाइनल में, दूसरी टीम देखने को मिल सकती है मोजिश वॉरियर, मगर अभी मैच बचा हुआ, सिंगल बट रहा गया, उमेश तेजी से दौड़ रहे, एक रन के साथ संतोष सोनागा एक रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 43-43। दो रन का लक्ष्य होगा आने वाली गेंदों की बात की जो 8 गेंदे दो रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए, कुणाल एलिमल तुलसे बनाम मोजिश वॉरियर, मोजिश पिल्लाइसर की टीम। फुल टॉस बॉल, शॉट तो बढ़िया खेला, पहला तेजी से पूरा किया जाएगा, निलेश शेल के गेंद को फील्ड करेंगे, जब तक इस मैच को जीत लिया मोजिश वॉरियर टॉप 4 में पहुंच चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोजिश वॉरियर्स के ऑनर मोजिश पिल्लाइसर और उमेश कुम कप्तान, मोजिश वॉरियर तलासरी ये टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में, और हार्ड लक का विनोद मोहिते, कुणाल मोहिते, युवराज डुकले हार्ड लक, हम देख सकते हैं हमें जमकर भी यहां पर पहुंच चुके को ऑनर टीम के, वेलकम आपका भी। चलो इस मैच का मैन ऑफ द मैच हम देंगे, जिस तरह से मैच की शुरुआत की गई थी काफी